हेलो गाइस, कैसे सभी लोग? मैं सुन रही हूँ आपकी ठीक होंगे। सो गाइस, आप बोल रहे हो कि बहुत टाइम से मैंने व्लॉग नहीं भेजा। तो गाइस, अभी मतलब मेरे ना मतलब आज कल ना मेरा पढ़ रहा होता हूँ, तो इसलिए आज टाइम ही मिलता। तो आज से मैं कोशिश करूँगा कि मैं रोज़ का डेली रूटीन का व्लॉग दिया करूँ। मैं आज से कोशिश करूँगा कि मैं आपको रोज़ रोज़ का व्लॉग दिया करूँ। तो आज मैं आया हूँ आपको दिखाने अपने अपनी मतलब अपने गोट्स के बेबीज। मतलब उन्होंने बेबीज दिए थे, हमारी जो न्यू गोट थी उसने बेबीज दे दिए। मैं आपको दिखा दूँ उसने बेबीज दे दिए। सो गाइस, हमने रैबिट्स भी ले लिए। हम मतलब बहुत टाइम से मैंने आपको व्लॉग नहीं दिया था, तो इसलिए हमने रैबिट्स भी ले लिए। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। सो गाइस, अभी और सारे बाहर भी आ सकते हैं, तो फिर मैं जल्दी से कैमरा ऑफ करके मैं आपको फ्रेंड्स के उधर मिलता हूँ, फ्रेंड्स के उस साइड पर मिलता हूँ। अभी मैं अंदर आ चुका हूँ। ये कुछ मेरे पास हो चुके हैं और दो बैठे हुए हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज थे हमारे न्यू गोट के। दो जो हमारी जो बकरियाँ हैं, जो बिग मामा गोट है, वो भी गई हुई हैं अपना खाना खाने। मतलब वो ना बाहर जाती हैं हर रोज़, मतलब थोड़ा सा खाना खा के आती हैं और फिर आधे घंटे के बाद, एक घंटे के बाद वापस आ जाती हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा उन दोनों के बेबीज, जो हमारी पुरानी बिली है उसके बेबीज मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बेबीज मतलब बड़े हो चुके हैं, और जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो थोड़े छोटे हैं मतलब उससे। सो गाइस, ये हैं वो जो हमारी पुरानी वाली बेबीज, मेरा मतलब ये रहे, और वो रहे हमारी न्यू गोट के बेबीज। ये रहे, ये एक ब्लैक वाला है और ये एक ब्राउन वाला है, और ये रहे दूसरे दो। ये हमारी डक्स हैं, बहुत टाइम से मैंने आपको दिखाई नहीं थी। ये रही हमारी डक्स हैं, ये हमारी डक्स हैं, ये हमारे मुर्गे हैं, मतलब ये सारे हमारे मुर्गे हैं। ये मतलब हमने उनके लिए खोली बनाई थी जिसके लिए खाना खाते हैं। या फिर देखें, हमारे पास भी बहुत सारे ट्रीज हैं, हम इससे भी उतारते हैं इनके लिए खाना, लेकिन हम ज़्यादातर हम बाहर से लेके आते हैं। इनको पता चल चुका है कि अब मैं जाने वाला हूँ बाहर, तो इसलिए अभी यहाँ पर आके खड़े हो गए। इसलिए इनको चाहते हैं कि ये ना बस एक बार उस फेंस के उस साइड पे चले गए। अब बस देखता हूँ किस तरह जाऊँगा मैं। तो अब चले जाता हूँ कैमरा ऑफ करके। हमारे डॉग्स हैं, लोगन। ये इसकी मैं आपको इसकी एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ गाइस। ये इस डॉग की एक मतलब ये इसको बचपन से प्रॉब्लम है, इसकी आंख खराब है। ये ट्रिक्सी है और ये लोगन, दोनों में ये फीमेल है और ये मेल है। इस केज के अंदर हमारे रैबिट्स होते हैं। इस तरह का उनके लिए हमने पूरा घर बनाया। उन्होंने कोशिश की कि यहाँ से खोदे ये, लेकिन हमने इसके ऊपर एक किस तरह का शेड रख दिया था, तो फिर यहाँ पर भी रख दिया था ज़मीन पर, तो इसलिए अब ये नहीं बाहर जा सकते। सुबह जब मैं अभी मैं उस जगह को छोड़ के यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन लेता हूँ अपने पौधों की। जो हमने सब्जियाँ लगाई थी बहुत टाइम पहले, वो उनका मैं आपको भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो गाइस, हमने सबसे पहले लगाई थी पालक, उसके बाद हमने लगाई थी रेडिश, उसके बाद हमने लगाई थी बंद गोभी, उसके बाद ब्रोकली, उसके बाद फूल गोभी, उसके बाद हमने लगाई है मूली। तो मतलब अभी हम मूली आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम मतलब मैं आपको दिखाता हूँ मूली कितनी बड़ी हो चुकी है हमारी। सुबह अभी हमारी मूलियाँ निकल रही हैं, दो निकल चुकी हैं और एक और आ गई है। अभी बस देखते हैं कि कितनी 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 बड़ी हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी कितनी बड़ी हो चुकी है हमारी मूलियाँ। उसके बाद मैं आपको सारे पौधों का दूंगा। हमने थोड़ा सा लेटस लगाया हुआ है, धनिया, इस तरह के बहुत सारे हमने चीज़ें लगाई हुई हैं। हमने पालक, इस तरह की हमने सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। सो अभी देखते हैं कि कितनी बड़ी निकलती है अब हमारी मूली। सो अभी निकल रही है, बिल्कुल सही है।
बस लिखने वाली है, और जैसे लिख लेगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी कोई अभी तक नहीं निकल रही, तो फिर अभी 5 मिनट के बाद वो निकाल के देंगे। एक अच्छी सी 2 निकल चुकी हैं, मतलब वो बहुत छोटी सी है, मतलब हमारे पास कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो भी देखते हैं कि किस तरह हम निकाल पाते हैं अपनी एक मूली। इसलिए 2 निकल चुकी थी, वो छोटी छोटी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना पूरा गार्ड वाली जगह, जहाँ पर हमने पूरी गार्डनिंग की हुई है। सो भाई इस तरह ये हमने गार्डनिंग की हुई है, ये देखें, ये मतलब हमने पूरी गार्डनिंग की हुई है इस तरह। ये पालक है, तो ये पालक है, ये भी पालक है, ये रेडिश है, और वो और ये स्वाइस, ये है। सो गाइस इसका मुझे नाम नहीं पता, तो ये है चकोतरा, मतलब माल्टे जितना ही होता है लेकिन उससे मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इतना सा होता है ये ना, उतना सा होता है चकोतरा। अभी इसके ऊपर हमने ना एक उतारा के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा होता है चकोतरा। तो आज इतने बड़े चकोतरे होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये भी वीडियो में तो बहुत छोटे लग रहे होंगे लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं। ये एक पम्पकिन पड़ा हुआ है, इंग्लिश में इसको पम्पकिन बोलते हैं, उर्दू में इसको पेठा बोलते हैं। इससे हम हलवा बना सकते हैं। ये पम्पकिन है और ये चकोतरा है। तो क्या इतनी बड़ी हमारी मूली हो गई है। ये है मूलियों का फार्म जो हमने बहुत टाइम पहले लगाया था और अब हम इनको खा रहे हैं। मैं आपको एक बार अपना सारा पूरा क्यारी दिखा दूँ जहाँ पर हम सारी गार्डनिंग करते हैं। इस तरह की होती है क्यारी, ये इस तरह के हमने सारे बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। मिलते किसी और लोग में, किसी और कॉन्टेक्ट में। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस।